भोजपुरी का फेमस मतलब बंदा है, लाल और पवन सिंह के बीच में इनका गाना आया था। उसके बाद हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो सारे के सारे, आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरे पास इस ले रहे क्योंकि ये लगा रहा है। तो आज हम मतलब जिस पर रिएक्शन देने वाले हैं वो वीडियो गाना नहीं है, कुछ नहीं है, बट स्टेज शो भी नहीं है, वो है रोस्टिंग वीडियो। ओ सॉरी, चलो रोस्टिंग वीडियो इस पर रिएक्शन देने वाले हैं। ये मतलब कि भोजपुरी का फेमस मतलब बंदा है, मतलब कि भोजपुरी में रोस्टिंग वीडियोज निकालता था, काफ़ी अच्छी वीडियोज होती है इसकी, मैंने देखी है, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाऊँ। और अभी थोड़ी देर पहले कॉन्ट्रोवर्सी थोड़े दिनों पहले कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में। आरा जो गाना आया था आप लोगों को पता होगा कि क्या है वो, तो देखते हैं क्या बनाया है इसमें, रोस्टिंग के अंदर क्या बनाया है, क्या है कुछ हमें पता लगेगा, क्योंकि मेरे को भी अब तक पूरा प्रॉपर समझ नहीं आया कि क्या कॉन्ट्रोवर्सी थी। तो वीडियो देखने वाले इस पर रिएक्शन देंगे, देखते हैं वीडियो कैसी है, क्या है मेरे को पता नहीं, मैंने हिंदी वाले रोस्टिंग तो बहुत देखी है, देखते हैं भोजपुरी में रोस्टिंग क्या है ये। तो वीडियो पर रिएक्शन देते हैं, देखते हैं, और आपको वीडियो का एंड में बताऊँगा कि मेरे को बेस्ट कौन लगता है, खेसारी लाल या फिर पवन सिंह, ठीक है। तो आपको वीडियो का एंड में बताऊँगा, वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो को शुरू करने से पहले अपने वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। जिस पर हंसने वाली की बात पैसा ही पैसा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो कैसी है। मैं तब वीडियो के ब्रेकिंग न्यूज आज का सबसे बड़ा न्यूज ये है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है फेसबुक पर, और इस इतने बड़े विश्व युद्ध का असर यूट्यूब पर भी देखा जा सकता है। मगर हैरानी की बात ये है कि दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे पर हमला करने के लिए एक ही कंपनी का हथियार यूज कर रहे हैं। कुछ जानकारों का ये भी कहना है लड़ो सालो लड़ो, फायदा तो हथियार बनाने वाली कंपनी का है। इन दोनों लड़ाकों में किसकी बात में कितना दम है इससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी काल है, ठीक है। आ दोस्तों, कल से ही फेसबुक से लेकर के यूट्यूब से लेकर के इंस्टाग्राम से घंटाग्राम तक जहाँ पर भी देखो युद्ध ही युद्ध छिड़ा हुआ है। एक तरफ आलू सिंह की आर्मी है और एक तरफ भकालू लाल की, दोनों फेसबुक पे बैठ के चोखा बना रहे हैं। अब देखो मैटर ये है कि दो गाना आया है जिसको सुना किसी ने भी नहीं है, लेकिन ज्ञान सभी पेल रहे हैं। हमने सोचा हम भी थोड़ा ज्ञान पेल लेते हैं क्योंकि हमने तो सुना भी है दोनों गाने, और जिन्होंने सुना है उनको अच्छे से पता है कि ये दोनों ही गाने बिल्कुल अलग अलग हैं, फिर भी फेसबुक पर बैठकर एक दूसरे से गांड घिस रहे हैं। भैया जिनको नहीं पता है उनको मैं यही कहूँगा कि विवेक बिंद्रा को जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर है, कभी कभी उसकी वीडियो देख लिया करो तब आपको पता चलेगा। इसको कहते हैं मोमेंट मार्केटिंग, मौके का सही फायदा उठाना। भोजपुरी के शीर्ष पर बैठे हुए दो सुपर स्टार, बड़ी गंदी च्वाइस है यार आप लोगों की, मतलब ये भी कोई गाना है ना, साला गाने की लाइन अच्छी है इसमें, ना ही म्यूजिक अच्छा है, क्या टेस्ट है। गाना वो था मजनुआ पिटाता, वो था गाना वो था अब जाए जान भुला जाइए, वो गाना था ले ला पुदीना, इसमें नहीं गाना था देखा गाड़ी मत दा, वो सब गाने आप सुनो ना मजा आता है, उसमें म्यूजिक है। वो गाने अगर आप एक बार सुन लेते हैं ना, और गलती से दो साल बाद भी अगर वो म्यूजिक कहीं आपको सुनाई दे देगा ना, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा ये फला गाने का म्यूजिक है। ऐसे गानों के लिए अगर लड़ाई होती तो समझ में आता हमें एक बढ़िया गाना है। ये टुच्चे से गाने के लिए इतना बड़ा भवंडर खड़े कर दे रहे हो तुम लोग। और ये पवन सिंह, उनको देखिए जब पोस्टर रिलीज हुआ था ना, ये भगत सिंह वाला पोज, मैंने सोचा अरे भैया लगता है कुछ बहुत बड़ा आने वाला है, कोई देशभक्ति वशभक्ति टाइप का होगा, मजा आएगा। कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चूहा, चूहा भी नहीं आता चूंटा निकला है, ये भी कोई गाना है। और हाँ ये दूसरे वाले भाई साहब क्या कहते हैं, हाँ हिट मशीन खेसारी लाल यादव, इनको बस गाने की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना है, खाली क्वांटिटी देखना है, दुनिया भर का गाना खाली भर देना है, बस गाना कैसा है, लीचड़ पोचड़ कोई भी कुछ भी लागत, भैया बहुत बढ़िया बा, भैया पहुँचे स्टूडियो गाना शुरू,
एक घंटे में म्यूजिक तैयार, दो घंटे में रिकॉर्डिंग और तीसरे घंटे में गाना रिलीज। पेन लेने गया, क्वालिटी नहीं चाहिए, पैसा चाहिए। देखो पहली बात तो ये है कि अगर पवन सिंह को पता होता ये गाना खेसारी लाल के पास है तो वो कभी नहीं गाते, और वहीं पर अगर खेसारी लाल को भी अगर ये बात पता होती कि ये गाना पवन सिंह के पास है तो वो शायद गा देते। हाँ भाई, खेसारी लाल पहले बहुत ऐसे गाने गाए हैं जो गाने दो दो तीन तीन महीने पहले रिलीज हो गए हैं, वो भी वो गा देते हैं, क्योंकि उनको खुद से कुछ भी रिसर्च नहीं करना होता है। दो लोग आएंगे, भैया बहुत बढ़िया गाना बाटे, भैया उठाते हैं सीधे स्टूडियो पहुंच जाते हैं, कुछ रिसर्च नहीं करना है कि किसका गाना है, क्यों है, कैसा है, कुछ रिसर्च नहीं, बस जाके गा देना है। ये गाना किसका है ये मुझे भी पता नहीं है। दोनों लोग कह रहे हैं, उन कह रहे हैं कि हमारा गाना पहले रिलीज हुआ और इन्होंने कहा कि हम पहले रिकॉर्ड कर चुके थे। हालांकि जो दोनों सुपरस्टार हैं उन्होंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ऐसी बात नहीं है कि पवन सिंह जो है कॉपी गाने या चोरी वाले गाने नहीं गाए, गाए उन्होंने भी गाए भाई। कौन सा गाना था, 200 के ककही गाना सुने हो? हाँ, जिस पर वही सुमित द्विवेदी पवन, का नाम है उनका सुमित द्विवेदी पवन, वो बवाल काटे थे कि ढोड़ी चटवा नरेश है, हमारा गाना चुरा लिया, अरुण बिहारी जैया बेटा जैबा तुहार उखाड़ लेबे, ऐसा बहुत कुछ वो बोल रहे थे ना उसी टाइम पे। आइए बार हम चिल्ला के कहते नहीं कि पवन सिंह चोर हुआ चोट्टा हुआ गीत चोर, अब जरा जौन उखाड़े खोई उखाड़ ली। बट ये गाना सुमित द्विवेदी पवन का भी नहीं था, उससे पहले भी 2-3 साल पहले बहुत सारे लोगों ने वो गाना गा चुके थे वो गाना। तो पवन सिंह की टीम के पास एक बहाना मिल गया है बोलने के लिए कि ये तो एक पारंपरिक गीत है। भैया जब पारंपरिक गीत है तो लिरिक्स की जगह पे अरुण बिहारी का नाम आलू छीलने के लिए रखा गया था, किस बात का क्रेडिट है उनको? तो ये चोरी हुआ ना, और क्या है। दूसरा भी एक दो महीने पहले इंसिडेंट हुआ था पर उस पर पवन सिंह ने माफ़ी मांग लिया था, तो जहाँ पर बंदा माफ़ी मांग ले उस पर बात नहीं करनी चाहिए। प्लीज़ बाबू, हमको हमसे गलती हुई है, आप माइंड मत करना, और हो सके तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। और रही बात खेसारी लाल की, तो भैया उन पर तो गाना चोरी के बड़े बड़े इतिहास हैं, सर क्या ही बात करें। अब देखो सवाल ये उठता है ना कि खेसारी लाल का गाना इतना हड़बड़ी में क्यों रिलीज किया गया है? खेसारी लाल की टीम से पूछे कि इतनी भी हड़बड़ी क्या थी आपको, आप सुबह गाना रिलीज कर सकते थे, तो उनका जवाब ये हो सकता है कि भाई हमारी भैंस से हम कहीं चराएं, तुमको क्या मतलब है। बट ये संतुष्टजनक जवाब नहीं है। ये जवाब देने के बाद भी सवाल मन में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि खेसारी लाल के गाने अक्सर सुबह में या दोपहर में रिलीज होते हैं, शाम को तो शायद मुझे याद नहीं है कौन सा गाना उनका रिलीज हुआ था पहले। तो भाई ये हड़बड़ी तो है, बट इस हड़बड़ी से ये साबित कतई नहीं होता है कि गाना उन्होंने चोरी किया है। पूरा गाना नहीं, सिर्फ एक लाइन को याद होगा, पूरा गाना अलग है, सिर्फ एक लाइन मैच हो रहा है, और एक लाइन मैच इसी वजह से होता है कि जिससे हमारी पहचान होती ना, जैसे मान लीजिए मैं किसी की टीम में हूँ, वहाँ पर भी किसी के उनकी टीम में कोई एक बंदा है, उससे हमारी अच्छी जान पहचान है, हमने उसको फ़ोन किया, भाई क्या चल रहा है? हाँ भाई ये गाना आ रहा है फला नाम का, उसी के शूटिंग में हम लोग बिजी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। अब मैंने उसी नाम से मैंने गाना लिख दिया, अब वो फ़ोन पे पूरा लाइन तो हमको मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं मैच नहीं कर पाया, एक लाइन मैंने सुना और उसी टाइप से मैंने गाना लिख दिया, हो गया। कोई भी आदमी किसी को भी किसी भी गाने के बारे में बताएगा तो मुखड़े का एक लाइन ही बताता है ना, जो टाइटल में लिखा होता है या जो टाइटल बनने वाला होता है या जो टाइटल होता है वही एक लाइन बताता है, भाई ऐसा गाना आ रहा है या ये नाम का गाना आएगा, तो उसने सुना होगा, उसके गाने में सलूने काटे होंगे, उसने लिख दिया होगा गाना, तो ऐसा भी हो जाता है। अगर गाना चोरी होता तो सारी लाइनें मैच होती ना, जैसे लहंगा लखनऊ में मैच हुआ था, उसको चोरी कह सकते हैं, ये चोरी नहीं है, ये साफ है, ये दो गाने दो अलग अलग राइटरों ने लिखे हैं, इसमें चोरी का कोई भी सवाल नहीं है, किसी ने भी किसी का भी गाना चोरी नहीं किया है। जो लोग भी आपको चोरी का गाना चोरी का गाना चोरी का गाना बता बता के बरगला रहे हैं ना, उनसे दूर रहो भैया, ठीक है ना। पवन सिंह के मुंह से आपने सुना कि हमारा गाना चोरी हुआ है, या खेसारी लाल के मुंह से सुना आपने कि हमारा गाना चोरी हुआ है? नहीं, उनको पता है कि दोनों गाने अलग अलग हैं। तो आप जिसके भी फैन हो, रहो, गाना सुनो, इन्जॉय करो, ये फालतू के लोगों के बहकावे में आ करके ना ये लड़ाई झगड़ा मत करो, ये फेसबुक पे यूट्यूब पे कहीं पर भी, हम लोग क्या है यूट्यूबर हैं, हमको चाहिए व्यूज आएगा तो हमको पैसा मिलेगा, इसीलिए लोग उल्टे सीधे पोस्टर बनाते हैं, उल्टे सीधे थंबनेल बनाते हैं और चिपका देते हैं, और जाहिर सी बात है कंट्रोवर्सी में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, इसीलिए लोग कंट्रोवर्सी
का इंतज़ार करते रहते हैं, कहीं से भी थोड़ा सा लूप होल मिला बस उसको फैला के बड़ा कर देंगे और वो नोट छापना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सारे यूट्यूबर करते हैं, मैं भी कभी कभी करता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई अच्छी वीडियो बनाने पर कोई नहीं देखता है, ये बात सही है, इसीलिए जानबूझ करके कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं किया है और मुझे भी लगता है कि करना पड़ेगा भाई, यहाँ रहना है तो, नहीं तो हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सिर्फ लफड़ा देखना पसंद है, अच्छी चीज़ें दिखाओ, हंसाने की कोशिश करो, घंटा कोई नहीं देखता। बस मैं आपसे ये कहूँगा, ऊपर वाले ने आपको एक दिमाग दिया है, उसको यूज़ करो, उसको इस्तेमाल करो। कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप उसमें फैक्ट ढूंढो, लॉजिक ढूंढो कि क्या ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है, उसके बाद जो आपका दिमाग कहे, जो आपका दिल कहे, वैसे ही करो। किसी के कहने पर जा करके किसी को गाली मत दिया करो, ओके। तो बस आज इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रोस्ट वीडियो पे मैं काम कर लेता हूँ। वीडियो यार काफी इंटरेस्टिंग थी और नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल, नॉलेजेबल। तो इसमें मैं क्या बता रहा कि भाई देखो एक्चुअल में ऐसा है कि देखो जैसे मेरा कुछ चोरी हो, मेरा कुछ गाना चोरी हो, मेरा कुछ हो, तो मैं बोलूंगा तब वो मानेगा ना बात को, लेकिन दोस्त के फैंस और उसके फैंस खेसारी लाल और दोनों पवन सिंह जीवन लड़ रहे हैं वगैरह, कॉपी पवन सिंह वाले बोल रहे हैं खेसारी ने कॉपी किया, उसने भी कॉपी नहीं किया, तो ये गलत चीज़ें हैं, लड़ो मत, प्यार बढ़ाओ, वो भी शेयर करो, वो भी शेयर करो। और रही बात मैंने आपको बताया कि मुझे कौन सा पसंद होता है, मेरे को दोनों ही पसंद है, क्योंकि मेरे को कुछ गाने ऐसे होते हैं पवन सिंह के जो मेरे को पसंद नहीं है, तो कुछ मतलब है नहीं, मैंने जब तक सुने मेरे को सारे अच्छे लगे और खेसारी लाल के भी अच्छे हैं, बट हाँ ये चीज़ है कि खेसारी लाल के गाने फटाफट आते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैं अभी 3 से 4 दिन में 4-5 नए गानों के एक्शन देख चुका हूँ। आप देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो जाके आपको देख लेना, आपको नहीं मिल जाएगा उसमें, या फिर आईफोन नहीं मिल जाएगा, जाके देख लेना, इतने गाने आ चुके हैं, सारे नए गानों के एक्शन देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात ऐसा है कि लड़ा मत करो, ठीक है, प्यार फैलाओ, हेट मत फैलाओ। तो वीडियो ये काफ़ी अच्छी थी, रोस्टिंग वीडियो मैंने पहली बार देखी भोजपुरी की, मतलब रोस्टिंग की कुछ ज्ञान की बात थी, इसमें रोस्टिंग तो नहीं बोल सकते, बट हाँ जो भी था अच्छा था काफ़ी। तो अगर आप इसकी ओरिजिनल वीडियो देखना चाहते हो तो आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, अगर मैं देखी हुई तो अच्छी बात है। बाकी अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि आपका कमेंट से मतलब मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है। तो इस बार हम एम रखते हैं इसके ऊपर 500 लाइक कर देना इस वीडियो पे, ठीक है, 500 लाइक कर देना, 200-300 कमेंट कर देना अच्छे अच्छे जिस पे आपको रिएक्शन चाहिए। अगर इसकी और रोस्टिंग वीडियो रिएक्शन चाहिए तो भी कमेंट कर देना, या कुछ और नया जो भी आप सुनना चाहते हो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट जरूर कर दे रहे हो, ठीक है। और बाकी अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।